जय हिंद। आप सभी को सादर अभिनंदन। मैं अंबुजा राजलक्ष्मी हजारीबाग जिले के खपरियामा गांव की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्क्रमित उच्च विद्यालय खपरियामा से पूरी की और स्नातक की पढ़ाई मैंने संत कोलम्बा महाविद्यालय से पूरी की है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी की परीक्षा में मैंने 172वां स्थान प्राप्त किया और झारखंड शिक्षा सेवा के लिए मैं चयनित हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं विकास श्रीवास्तव सर को काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में और उनके इस चैनल डीएसपी की पाठशाला के मदद से मैंने काफ़ी कुछ सब्जेक्ट में आसानी से पकड़ बनाई और किस हिसाब से मुझे प्रीलिम्स में तैयारी करनी है, मेंस के लिए मुझे किस हिसाब से पढ़ना है, इंटरव्यू के लिए मुझे किस तरीके से किस किस चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दे करके देखना है, करंट को कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैंने सीखी सर से। और सर का काफ़ी योगदान रहा। सर ने शुरुआत से लेकर अब तक के सफ़र में हमेशा एक कुशल मार्गदर्शक के तौर पर मुझे रास्ता दिखाया है और इसके लिए मैं सर की तहे दिल से आभारी हूँ सर, थैंक यू। और जेपीएससी की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जिसमें आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका धैर्य, सबकी एक मतलब सबकी एक कड़ी परीक्षा होती है। आप किस प्रकार प्रीलिम्स के लिए खुद को तैयार करते हो, फिर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिर वहाँ से सफल होकर आप मेंस की ओर आते हो, मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है, फिर वहाँ से सफलता की अगली सीढ़ी आप इंटरव्यू की ओर जाते हो और इंटरव्यू में फिर आपको एक समग्र तरीके का मतलब आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके राज्य में क्या घटित हो रहा है, करंट अफेयर्स क्या हैं, आप अपने ज़िले के बारे में क्या जानते हो या कुछ भी, मतलब आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आप किस प्रकार के व्यक्तित्व को दर्शाते हो वहाँ पे, आपके अंदर कितनी ईमानदारी है, आप किस प्रकार कार्य करोगे आगे जा करके, इन सब की जांच होती है। तो जेपीएससी की तैयारी करते समय मैंने ये नोटिस किया कि यह परीक्षा पूरी तरह से आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी ईमानदारी और अपनी तैयारी के प्रति आपकी कर्तव्यनिष्ठा, कि आप कितने कर्तव्यनिष्ठ हो, आप कितनी मेहनत से अपनी तैयारी को अंजाम देते हो, इस पर निर्भर करती है। और मैंने इस तैयारी के लिए किसी स्पेसिफिक कोचिंग का मैंने सहारा नहीं लिया, लेकिन हाँ मैं ये कहती हूँ कि मुझे काफ़ी सीनियर्स, मेरे काफ़ी गुरुजन ऐसे रहे जिन्होंने मुझे इस तैयारी के दौरान काफ़ी मार्गदर्शन दिया और जिसकी मदद से मैंने पहले प्रयास में इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और मैं आज आप सभी के समक्ष हूँ। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी के शुरुआती दौर से विकास सर का काफ़ी मुझे मार्गदर्शन मिला और रुपेश सर, प्रदीप सर, विजय सर जो हैं जिन्होंने कोटा के लिए मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया। तो कुल मिलाकर अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी गुरुजन ऐसे रहे जिन्होंने पॉजिटिव किया और इस पूरी परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने हमेशा सकारात्मकता डाली कि आप अच्छे से लगन से तैयारी करो तो आप निश्चित ही सफल होंगे। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अच्छे सर्कल में रहते हो, अच्छे सीनियर्स के साथ संपर्क में रहते हो, तो आपकी तैयारी के लिए किसी कोचिंग की निर्भरता जरूरी नहीं होती है, आप निश्चित सफल होते हो। और इस तैयारी की खास बात भी यह है कि आपके अंदर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है कि आप किस प्रकार तैयारी कर रहे हो, उससे क्या सीख रहे हो, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर चीज़ को फेस करते हुए आप आगे आते हो और आपके व्यक्तित्व में भी एक काफ़ी अच्छा निखार आता है। तो जेपीएससी की तैयारी, मुझे लगता है कि 11 जेपीएससी भी आ रहा है और आप सभी जोरों शोरों से इसकी तैयारी में लगे होंगे और आशा करती हूँ कि अभी अगली जेपीएससी में आप सभी बहुत अच्छा करेंगे। और आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ ताकि मैंने किस प्रकार तैयारी की, किन बुक्स को पढ़ा और किस तरह से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए किस हिसाब से मैंने पढ़ाई की, अपनी कुछ स्ट्रैटेजी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। हो सकता है आपको उससे कुछ लाभ मिले, हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें आपको एलिमिनेट करनी पड़े, कुछ गलतियाँ जो मैंने की या कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी या कुछ चीज़ें जो मैंने बेहतर किया, तो मैं आप सभी के समक्ष आज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो सभी गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग के मदद से मैं यहाँ पे हूँ और माँ पापा, दादी माँ, ईश्वर, भैया जो हर एक कदम पे मेरे साथ खड़ा था और उसने एग्ज़ाम के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक साथ नहीं छोड़ा मेरा और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो सबसे पहले बात मैं जेपीएससी की तैयारी की अगर बात करूँ तो प्रीलिम्स की अगर शुरुआत की बात की जाए तो प्रीलिम्स एक ऐसा मतलब हमारा पीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हमें बेसिकली दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो जीएस का पेपर और झारखंड
दोनों का लगभग इक्वल वेटेज है और हमें दोनों पे अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। और मैंने इसकी तैयारी के दौरान DSP की पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है उसका काफ़ी सहारा लिया और सर का गाइडेंस मिला। सर के मार्गदर्शन में मैंने देखा कि किस हिसाब से मुझे ज्योग्राफी के किस पोर्शन को किस तरह से पढ़ना है, मैप वर्क कैसे करना है, हिस्ट्री में किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, करंट अफेयर मुझे कैसे करने हैं। तो इन सब में मुझे सर का काफ़ी योगदान मिला और इस चैनल की मदद से यहाँ पे डाले गए काफ़ी ऐसे लेसन्स थे जिसको मैंने देख करके काफ़ी कुछ सीखा और कुछ यूट्यूब से, कुछ गूगल से, NCERT की बुक से और पापा के साथ बैठकर डिस्कशन करके बहुत कुछ मैंने सीखा और इस प्रकार मैंने प्रीलिम्स की परीक्षा दी। और अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूँ तो सभी का पढ़ने का अपना एक अपना स्ट्रैटेजी होता है। मैंने प्रीलिम्स के लिए बेसिकली जो GS का पोर्शन था उसके लिए, हिस्ट्री के लिए मैंने झा और शिमाली की पुस्तक जो एंशियंट इंडिया के लिए उसको मैंने पढ़ा, और मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा सर की बुक, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम की बुक मैंने कवर की थी। और सबसे पहले तो इन बुक्स को अच्छे से मैंने कवर किया, मैंने 2 बार इसे पढ़ा, 3 बार पढ़ा। फिर उसके बाद मैं लूसेंट पर गई और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर मैंने काफ़ी जोर दिया कि मैं जो पढ़ रही हूँ मैं उसको रिवाइज कर सकूँ और जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकूँ। और इसके लिए मैंने घटना चक्र की बुक का सहारा लिया। तो आप घटना चक्र की बुक को भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आपको लगे तो आप लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव का बुक आता है आप उस बुक का भी सहारा ले सकते हो। फिर अगर मैं ज्योग्राफी की ओर आऊँ तो ज्योग्राफी में भी मैंने माधिर हुसैन सर की बुक को पढ़ा अच्छे से, और ऑक्सफोर्ड एटलस पे मैप वर्क करना थोड़ा ज़रूरी मुझे लगता है, उससे आपकी पकड़ मतलब मैप पे आप अच्छे तरीके से कमांड कर पाओगे और उससे ज्योग्राफी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आसान भी रहेगा आपके लिए। तो माधिर हुसैन सर की बुक, ऑक्सफोर्ड का एटलस और NCERT की बुक्स 11th और 12th की अच्छे से अगर पढ़ें तो उसे काफ़ी मदद मिलती है। मैंने इस हिसाब से ज्योग्राफी को किया था। और इकोनॉमिक्स में मैंने यूट्यूब पे मृणाल सर के वीडियो लेक्चर्स देखे थे, और उसके अलावा करंट अफेयर और प्रतियोगिता दर्पण में जो जो भी करंट से रिलेटेड चीज़ रहती हैं और इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब चीज़ों को मैं पढ़ती थी और उसको समराइज़ करके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में कुछ प्रिपेयर करती थी और ताकि उसको मैं कम समय में रिवाइज़ कर सकूँ। तो इस तरह से मैंने इकोनॉमिक्स को किया। और साइंस के लिए भी मैंने NCERT की बुक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि NCERT एक ऐसी बुक है जिसमें हमें ज़्यादातर चीज़ें जो रेलिवेंट है वो पढ़ना होता है, प्रिसाइज है, बहुत ज़्यादा हमें इधर उधर नहीं भागना होता है। तो NCERT की ओर हम रुक कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा उसे उसको पढ़ करके काफ़ी आसानी से हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो साइंस के लिए भी मैंने इस प्रकार तैयारी की। और करंट अफेयर के लिए बेसिकली मैंने करंट अफेयर के लिए दृष्टि IAS की जो मैगजीन आती है उसको मैंने पढ़ा, लेकिन मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़नी है, किन चीज़ों को आपको एलिमिनेट करना है। और क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम है तो प्रीलिम्स में आपको फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा पकड़ बनानी होती है, तो उस हिसाब से हमें देख करके चलना होता है। तो आप कोई भी एक मैगज़ीन, आप दृष्टि ले लो या आप परीक्षा वाणी की कोई मैगज़ीन ले लो या स्पीडी ले लो, कोई भी एक मैगज़ीन जो आपको कंफर्टेबल लगे कि इस मैगज़ीन से मैं प्रीलिम्स के बेसिस पे फैक्चुअल क्वेश्चंस अच्छे से कर पा रही हूँ और उस पर मेरी पकड़ अच्छी हो रही है, तो उस मैगज़ीन को हम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, इस पूरी तैयारी के दौरान मैंने ये सीखा कि हमें एक चीज़ पर डिपेंड होना चाहिए, एक चीज़ पर निर्भर होना चाहिए और उससे स्टिक होकर के तैयारी करनी चाहिए और उस चीज़ को जितना अधिक हो सके रिविज़न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 10 करंट अफेयर की मैगजीन्स लेकर आए हैं और वो 10ों को मैंने पढ़ लिया एक एक बार और रिवीजन करने का हमें समय नहीं मिला, तो उससे क्या होगा कि पढ़ा तो हमने सब कुछ है लेकिन दिमाग में सारी चीज़ें नहीं रह पाती हैं। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम किसी एक मैगज़ीन या 2 मैगज़ीन को चुने और उसको अच्छे से पढ़े, थॉरली पढ़ें और कंसेप्ट बिल्ड करें और फिर उसके बाद रिविज़न पर ज़्यादा फोकस करें। और उसके अलावा प्रीलिम्स में जो हमारा एक मिसलेनियस जो सेक्शन होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसे जो टॉपिक्स हैं वो 8 टॉपिक्स हैं और उससे 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो एक कह सकते हैं कि एक प्रेसाइज टॉपिक है कि हमें ये टॉपिक्स करने हैं और इतने क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट आएंगे। जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया, फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, तो इन्वायरमेंटल साइंस की कुछ वहाँ पर टॉपिक्स हैं, तो जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से करें। और मैंने उसकी तैयारी के लिए
यूट्यूब का सहारा लिया और अन अकेडमी में भी काफ़ी कुछ वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं आप अगर देखें तो, और दृष्टि आई एस में भी EVS के लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप इंटरनेट का सहारा ले करके उसके लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और उन शॉर्ट नोट्स को आप क्विकली रिवाइज कर पाएंगे, तो मिसलेनियस का पोर्शन आप उससे कवर कर सकते हैं, मैंने इस हिसाब से उसकी तैयारी की थी। उसके बाद अगर मैं आती हूँ कि अगर झारखंड का जो GS पेपर 2 है, तो GS पेपर 2 के लिए मैं देखती हूँ कि झारखंड जो है वो काफ़ी, हमारा राज्य काफ़ी विस्तृत और यहाँ की सभ्यता संस्कृति इतिहास काफ़ी विस्तृत है, इसके बारे में पढ़ना एक अपने आप में काफ़ी रुचि की बात है कि आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा कि झारखंड में ऐसा है, यहाँ के लोग इस प्रकार रहते हैं, यहाँ की संस्कृति इस प्रकार है, तो झारखंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको छोड़ना कभी नहीं चाहिए, इसे बहुत अच्छे से करना चाहिए क्योंकि झारखंड काफ़ी स्कोरिंग हमारा पेपर है, अगर हम उसे अच्छे से करते हैं तो 100 questions जो हमारे पेपर 2 के हैं और 10 questions जो हमारे पेपर 1 में भी इंक्लूडेड हैं, तो 110 questions काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। और झारखंड के लिए मैंने उड़ान पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसका सहारा लिया, साथ में मनीष रंजन सर की जो बुक है वो, तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे बुक्स को करें तो ही होगा, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किन्हीं 2 book को जो आपको ऑथेंटिक लगें आप उनको पढ़ के और किसी एक जगह समराइज करें, अगर आप उड़ान से पढ़ रहे हैं, अगर आप मनीष रंजन से पढ़ रहे हैं, तो उस मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती हैं या जो करंट अफेयर में आपने पढ़ा, जो इकोनॉमिक सर्वे में अगर आपने कुछ देखा, तो उसे एक जगह आप कोशिश करें कि वहाँ नोट डाउन कर लें ताकि रिविजन के टाइम आपको मल्टीपल बुक्स का सहारा ना लेना पड़े, आप एक बार में बुक्स पलटें और फिर आपको याद आ जाएगी हाँ मैंने ये चीज़ें यहाँ पर पढ़ी हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं तैयारी। और GS पेपर 1 में मैंने छोड़ा एक्चुअली पॉलिटी और पवर, तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है उसका सहारा लिया था और लोक प्रशासन के लिए भी लक्ष्मीकांत सर की जो बुक आती है मैंने उसका अध्ययन किया था। उसके अलावा लूसेंट की बुक्स जो हैं, पहले मैंने सारी इन सभी बुक्स को पढ़ा और मुझे लगता है कि मैंने तैयारी में समय दिया है तो थॉरली मैंने पुस्तकों का अध्ययन किया, उसके बाद लूसेंट में जो शॉर्ट नोट्स टाइप की चीज़ें दी रहती हैं उसको भी मैंने अच्छे से पढ़ा और क्योंकि उससे क्योंकि रिविज़न हो पाता है, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे मैं आई जिसे घटना चक्र को मैंने सॉल्व किया, लूसेंट के जो क्वेश्चन बैंक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व किया, और मेरे पास एक अरिहंत का बुक था जिसमें UPSC के अलावा अन्य जो हमारे राज्य की लोक सेवा आयोग की परीक्षाएँ होती हैं उनके काफ़ी प्रश्नों का संकलन होता है उसमें, तो मैंने कोशिश की कि उनके सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर सकूं और उसमें जो एक्सप्लेनेशंस रहते हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं, तो उससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है लेकिन उसके अलावा भी ये सारी जानकारी हमें मिल सकती है वहाँ से, तो इस प्रकार से मैंने तैयारी करी है। और अगर झारखंड में देखें तो झारखंड का जो पोर्शन है उसमें मैंने इस प्रकार तैयारी की कि मैं मैप पर थोड़ा ध्यान देती थी कि झारखंड के मैप को मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया कि कहाँ पे किस तरह के, जैसे ज्योग्राफी है तो उसको मैप के हिसाब से मैं कर रही थी, इकोनॉमिक्स है तो मैं मैप के अकॉर्डिंग उसको मतलब अपने दिमाग में इस तरह बिठाती थी कि हाँ अगर बुक भी नहीं है तो मैं एक बार सोचूं तो मुझे लगे कि अच्छा ये ज्योग्राफी में पाट प्रदेश यहाँ है तो इस क्षेत्र में ये खनिज पाया जाता है, तो थोड़ा सा मैप वर्क पे ध्यान मैंने दिया। और झारखंड में जो कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आप कंसेप्चुअली अगर अच्छे से एक बार करते हैं तो वो आपको अच्छा स्कोर करा सकते हैं, जैसे झारखंड में आपदा प्रबंधन का टॉपिक है, पर्यावरण संबंधी तथ्य हैं ये सिलेबस में मेंशन है, फिर जो शासन व्यवस्था का है सिलेबस, उसके अलावा CNT SPT, तो ये फिर आपके जो शिक्षण संस्थान की जो टॉपिक है वो, और फिर जो स्वतंत्रता सेनानी हुए झारखंड के, और बुक्स एंड ऑथर्स जो हैं, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप मतलब कुछ पहले के चरण में आप कर सकते हैं, जैसे मैंने कोशिश की कि आपदा प्रबंधन पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उस पर मैं अपना शॉर्ट नोट्स बनाऊं और उसको अच्छे से रिवाइज करूं, तो कुछ टॉपिक को मैंने काफ़ी स्ट्रांगली किया और CNT SPT मैंने पकड़ बनाई, और इस तरह से झारखंड और GS पेपर 1 दोनों मिला करके प्रीलिम्स की एक इंटीग्रेटेड तैयारी मैंने की, और जो बुक्स मैंने किया उससे काफ़ी मुझे मेंस में भी काफ़ी मदद मिली और जिसके कारण मेंस में बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं हुआ, तो इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के बाद अगर मैं मेंस की ओर आगे आऊँ तो मेंस में क्योंकि हमारे पास 6 पेपर होते हैं, पेपर 1 जो हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर रहता है, तो उसके लिए मेरे पास स्पर्धा पब्लिकेशन की जो बुक आती है क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें हम सभी जो लोग हैं मैं हिंदी और इंग्लिश की इतनी
सामान्य जानकारी है कि हम निबंध लिख पाते हैं, कुछ जो ग्रामर के पोर्शंस हैं वो हम कर पाते हैं, तो थोड़ी बहुत अगर उसमें अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो क्वालिफाइंग पेपर आपका अच्छा जाएगा और आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे। तो इस तरह से मैंने की। और उसके बाद अगर पेपर टू की ओर आए तो पेपर टू जो भाषा और साहित्य है उसमें मैंने खोटा भाषा साहित्य को चुना, क्योंकि खोटा भाषा जो है वो हमारे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और इससे मैं परिचित भी थी, और क्योंकि आसपास के सभी लोग खोटा बोलते हैं, हमारे घर पे भी खोटा कभी कभी बोला जाता है, तो इससे मैं परिचित थी। लेकिन लिखने की शैली से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थी कि खोटा लिखने में मैं अच्छी हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन इस तैयारी के दौरान विजय सर का काफ़ी योगदान मिला और सीनियर दीदी हैं कनक दीदी, वो बहुत अच्छे से गाइड की खोटा में कि कैसे खोटा पढ़ना है, कैसे लिखना है। उसके लोकगीत को काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग साथ में डिस्कशन करके पढ़े, फिर मंत्र उसका था, फिर उसके जो ग्रामर सेक्शंस हैं वो, फिर उसका उद्भव विकास, मतलब खोटा एक ऐसा सिलेबस था जिसको चुनने के पीछे मेरा ये भी कारण था कि एक तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब पूरे जीएस को पढ़ने के दौरान आपको काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप खोटा पढ़ रहे हैं, काफ़ी रुचि आएगी आपको पढ़ने में और आप अपने आसपास के परिवेश को जान सकेंगे, आपको लगेगा कि अरे यह भाषा तो मैं मतलब सुनते आई हूँ, मैं इसमें अच्छे से बोल सकती हूँ, फिर आप लिखना शुरू करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लेखन शैली भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इस प्रकार मैंने खोटा को चुना और खोटा में मैंने प्रैक्टिस लिखना शुरू किया और मैं टेस्ट सीरीज मैंने लगाया जिसके कारण मुझे इसमें मदद मिली। और खोटा खोटा एक अच्छा सब्जेक्ट है, आप अगर लैंग्वेज लिटरेचर में कंफर्टेबल हो तो आप इसको देख सकते हो एक बार, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप जो भी टॉपिक या जो भी मतलब लैंग्वेज पेपर लेते हो जो कंसिडर आपने किया है उसमें आप सिलेबस को अच्छे से देखो, आप किस में कंफर्टेबल हो इस चीज़ पे ज़्यादा गौर करो, और अगर आपको लगता है कि आप खोटा में काफ़ी कंफर्टेबल हो कर सकते हो तो आप आसानी से जा सकते हो और ये काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छी भाषा है। उसके बाद अगर मैं पेपर थ्री की ओर आऊँ तो पेपर थ्री में हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर होता है, तो पेपर थ्री में हमारे पास सिलेबस में बताया गया है कि हम सेलेक्ट करके उसमें जो चार सेक्शंस हैं एंशियंट मेडिवल मॉडर्न और जो झारखंड हिस्ट्री है उसमें से हम सेलेक्ट करके और किसी दो सेक्शन को चूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने मेडिवल हिस्ट्री और झारखंड हिस्ट्री को अच्छे से स्ट्रांगली किया उस पोर्शन को, उसके अलावा एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री जो था उसको भी अच्छे से किया, लेकिन मेडिवल और झारखंड मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की कि उसके लिए मैंने दृष्टि आईएएस के जो जो यूट्यूब पे आते हैं वीडियो लेक्चर्स वो, और जो गूगल पर दृष्टि आईएएस का क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ फॉर्मेट आता है कि क्वेश्चन एक बार पब्लिश हुआ और फिर आप उसमें देखो आंसर्स बहुत अच्छे तरीके से उसमें रहता है कि आपको किस प्रकार से लिखना है, उसमें कॉन्ट्रडिक्टरी अगर एग्जामिन करने बोलता है कि आप आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तो किस प्रकार आप उसमें दोनों को बैलेंस करके आप लिखते हो, तो दृष्टि आईएएस के जो आर्टिकल्स आते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहे मेरे लिए। उसके अलावा जो बुक्स मैंने प्रीलिम्स में किया था जैसे सतीश चंद्रा का बुक, तो उससे भी मुझे काफ़ी मदद मिली, और इस तरह से मेडिवल हिस्ट्री में आप कर सकते हो। और झारखंड हिस्ट्री के लिए भी मैं जो बुक्स पढ़ रही थी उसके अलावा कला संस्कृति की एक जो झारखंड की कला संस्कृति की पुस्तक है उसका मैंने सहारा लिया, उसमें इतिहास की काफ़ी अच्छी बातें बताई गई, काफ़ी अच्छे से उसमें डिस्कस किया गया, तो उसका भी मैंने योगदान लिया। और उसके बाद ज्योग्राफी में मैंने फिजिकल ज्योग्राफी और झारखंड ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान दिया, और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जो माधव सांसर की बुक है उसका काफ़ी उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया, और जो एटलस है एटलस से मैप वर्क कर रही थी मैं प्रीलिम्स के समय से ही, तो उसका मुझे हेल्प मिला। उसके अलावा भी जैसे जो सिलेबस है हमारा उसमें हम देखते हैं कि हाँ फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो उन टॉपिक्स को आप गूगल के हेल्प से भी काफ़ी कुछ कर सकते हो। अगर आपके पास कहीं के नोट्स अच्छे नहीं हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली है, तो इसके लिए गूगल है, इंटरनेट है, काफ़ी कुछ हेल्प लिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी मेंस की तैयारी और प्रीलिम्स की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी में किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, लेकिन हाँ इंटरनेट की मदद से पापा मम्मी के हेल्प से काफ़ी कुछ गाइडेंस मुझे मिला। और दृष्टि आईएएस के जो आर्टिकल्स आते हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो दिया हुआ है आप उसको सर्च करें, आपको एक काफ़ी अच्छा उसमें लिखा हुआ आएगा टॉपिक, आप उसको पढ़ें अच्छे से, आपको कुछ पॉइंट लगता है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपना नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर झारखंड ज्योग्राफी के लिए उड़ान और जो मनीष रंजन की बुक है इन सब बुक से आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद अगर मैं पेपर फोर किया हो रहा हूँ तो पेपर फोर में हमारा पीए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी जो है वो पेपर है, तो इस पेपर में मैंने क्योंकि प्रीलिम्स के समय से ही लक्ष्मीकांत की पुस्तक को पढ़ना और उसके नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे,
हम लोग कुछ दोस्त थे, हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे, तो हम लोग उस समय से ही लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक और कुछ एनसीईआरटी की बुक्स का सहारा ले करके हमने इसका नोट्स प्रिपेयर किया था, तो जिसका काफ़ी हेल्प मिला कि हमें फिर मेंस के बाद काफ़ी ऐसा हड़बड़ वाली बात नहीं हुई, क्योंकि हम लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे थे कि हाँ प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए हमें ऐसे प्रिपेयर करना है, तो उसमें मदद मिली। और उसके अलावा भी मैं बोलूँगी कि दृष्टि आई इसके जो आर्टिकल्स आते हैं उसको मैंने पढ़ा, और मतलब उसके अलावा जो अनअकैडमी पे काफ़ी वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मुझे उससे काफ़ी मदद मिली, चाहे वो ज्योग्राफी सेक्शन हो चाहे पॉलिटी सेक्शन हो, मुझे काफ़ी मदद मिली अनअकैडमी के वीडियो लेक्चर से, और इस तरह से मैंने किया। फिर पेपर 5 और इकोनॉमिक्स की ओर देखें तो इकोनॉमिक्स में मृणाल सर की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए। उसमें से आप देखो कि मैक्सिमम जो आपके सिलेबस हैं, सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं उसको आप अच्छे से कवर करो, उसके नोट्स बनाओ, और बेसिकली शॉर्ट नोट्स बना लेनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए तो मैं उसको क्विक रिविजन करने टाइम में मैं उससे काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज मैंने किया, क्योंकि आप काफ़ी बल्की नोट्स और बड़े से नोट्स को आप कम समय में, जब आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, आपको कल पढ़ना है परसों पढ़ना है, तो आप तुरंत में रिविज़न नहीं कर पाते हो, तो इस तरह से मैंने किया। और जो पेपर 6 का जो हमारा साइंस टेक का पेपर है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, तो उसमें फिजिक्स है, बायोलॉजी है, झारखंड के पोर्शंस हैं, PBS है और साइंस टेक्नोलॉजी खुद में है, तो इन सेक्शंस को अगर हम अच्छे से करते हैं, जैसे इसके लिए मैंने NCERT की बुक्स को किया, जिसमें फिजिक्स और बायोलॉजी के पोर्शन को मैंने उससे कवर किया, और कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने अनअकैडमी में जो ऋतु मैम की जो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल थी वो उससे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स प्रिपेयर किए और उसका नोट्स बनाया, और शॉर्ट नोट्स मैं बनाती चली गई, और इस तरह से पेपर 6 को भी मैंने रेडी किया था। और फिर इस तरह से सारे पेपर्स को आप अच्छे से आप खुद से नोट्स बना सकते हैं, आपके पास काफ़ी अवेलेबल सोर्सेज हैं, आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं आप उसके डेटा को प्रयोग कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं और उसमें आप अपने इनपुट्स को डालते हैं तो आप उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि उसमें क्या सुधार करना है, क्या नया मुझे डालना है, करंट से कैसे रिलेट करना है, अगर आप एटॉमिक एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, तो आप हर एक चीज़ को उसमें रिलेट कर पाते हैं, कहाँ किस तरह का मैप डालना है, कहाँ किस तरह से हमें ड्राफ्टिंग करनी है, तो आप खुद से अगर खुद से प्रिपेयर करते हैं और खुद से थोड़ा मेहनत करते हैं तो आप बेशक अच्छा नोट्स खुद बना सकते हैं, और उससे प्रिपेयर करके अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, अगर आप उस आंसर को फिर आप डिलीवर करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को ब्रॉड करके आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो बेशक आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मुझे लगता है कि मैंने ये पूरी तैयारी के दौरान ये मैंने सीखा, मैंने ये अपनी तैयारी में मैंने खुद भी ये किया कि मैं सारे टॉपिक्स को जब पढ़ती थी तो मैं उसका रिविज़न मल्टीपल टाइम्स मैंने किया, और शॉर्ट नोट्स बनाने पे मैंने ध्यान दिया, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया और उसको कम टाइम में मैंने टाइम स्लॉट बांट दिया, और टाइम स्लॉट बांट करके मैं हर एक टॉपिक को रिवाइज करती थी कि इतने समय में मुझे ये से ये टॉपिक कर लेना है, फिर ब्रेक ले करके फिर मैं थोड़ी देर के बाद जब बैठी तो मैं मुझे दूसरे पेपर का कुछ टॉपिक क्लियर करना है, तो इस तरह से रिविज़न करने में भी आसानी हुई। और मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करो, टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करो, अगर हो सकता है तो आप डिस्कशन करो, अगर आपके घर पे कोई है तो आप उनसे डिस्कस करो, या आपके कोई अच्छे फ्रेंड सर्कल जिनसे आप जिनके साथ आप तैयारी कर रहे हो आप उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हो, और काफ़ी वैसे सीनियर्स जिनसे आपको योगदान मिलता है, इस तरह से मार्गदर्शन मिलती है, तो आप उनका भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि मुझे इस पूरी परीक्षा की तैयारी में मेरे सीनियर्स का, मेरे फ्रेंड्स का, मेरी फैमिली का काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला, तो इस तरह से मैंने तैयारी की, सभी पेपर्स को मैंने टाइम दिया और उसके टाइम स्लॉट बांट करके, जैसे मैं पढ़ाई जब करती थी तो जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है आप उस पर ध्यान उतना ना दें, आप ये कोशिश करें कि जितनी भी देर में पढ़ रही हूँ उतनी देर में एटलीस्ट फोकस होकर के पढ़ूँ, और उसको आप रिवाइज करें, आप टाइम स्लॉट बांटें, मैंने टाइम स्लॉट बांट करके पढ़ाई की, और निरंतर रिविज़न करने से भी अच्छी पकड़ बनती है टॉपिक पर, और इस तरह से फिर मैंने मेंस लिखा, और मेंस में मैंने कम समय में ही मुझे लगता है कि जो नोट्स मैंने बनाया उसमें कुछ इनपुट्स डाले और अपडेट किया, जब एग्ज़ाम का टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो उसमें और समय मिला कि मुझे कुछ फ्लो चार्ट्स मुझे कहाँ ऐड करने चाहिए, कहाँ पे मुझे ड्राफ्टिंग करनी चाहिए, कहाँ किस तरह से मैप वर्क करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें मैंने कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड की। और आगे फिर उसके बाद इंटरव्यू की अगर तैयारी की बात करूँ तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए बेसिकली मेरा ये पहला अटैम्प्ट था, और इंटरव्यू के पहले मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था कि पता नहीं किस तरह से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन क्योंकि मैं बच्चों को मतलब ट्यूशन भी पढ़ाती थी और क्लास 10 तक के बच्चों को मैंने पढ़ाया है, काफ़ी समय तक 3-4 साल तक मैं पढ़ाई हूँ,
तो पूरी तैयारी के दौरान मुझे इससे भी काफ़ी मदद मिली, क्योंकि बुक्स और जीएस पेपर इससे कवर भी था, और पढ़ाने के दौरान मुझ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था कि मैं बोल पाती थी, अपनी बातों को समझा पाती थी, और स्पीच और डिबेट कॉम्पिटिशन में मैंने भाग लिया है निरंतर, तो उससे भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। पापा मम्मी के साथ बात करती थी और डिस्कशन करती थी कि ये इस टॉपिक पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और बेसिकली ये कि आप अपनी पर्सनालिटी, आपका जो व्यक्तित्व है, आप जैसे हैं आप इंटरव्यू में वैसे ही दिखेंगे, और वहाँ जो पैनलिस्ट होते हैं, वहाँ जो सर होते हैं, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, वो लोग हम सभी में यही कोशिश करते हैं ढूंढने की कि हम किस प्रकार एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं, एक ईमानदार व्यक्ति बन सकते हैं। और इंटरव्यू में डरने की बात नहीं है, और विकास सर का गाइडेंस बहुत मिला इंटरव्यू के टाइम पे भी मुझे। जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती थी कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ मैं, कि इसका आंसर मैं क्या बोल सकती हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, तो सर मुझे हमेशा गाइड किए। सर ने काफ़ी अच्छे से बताया कि इसका आंसर मुझे इस तरह से बताना चाहिए, और फिर उस पर मैंने भी सोचा, फिर मैं उसमें मैंने कुछ खुद के पॉइंट्स को सप्लीमेंट किया, और डिस्कशन करके फिर इंटरव्यू की तैयारी इस तरह से मैंने की। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप मॉक इंटरव्यू का सहारा ले सकते हैं, और अगर आप मॉक नहीं लेना चाहते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप घर पे भी आप बोल सकते हो, आप मिरर के सामने बैठ के बोल सकते हो, आप अपने पापा मम्मी किसी के पास बैठ के बोलो कि आप मेरे से ये क्वेश्चंस कुछ करो, जिससे एटलीस्ट मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो, मैं बोल सकूँ अच्छे से, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं, और बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस वक्त पे देखा जाता है कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की कि मैंने किस तरह से तैयारी की, और आशा करती हूँ कि आप सभी एक अच्छी दिशा में और सिलेबस के साथ तैयारी करेंगे और निश्चित ही सफलता पाएंगे। और सर, आप सभी जो टीचर्स हैं, माय सीनियर्स हैं, सभी को बहुत बहुत थैंक यू सर, और विकास सर थैंक्स अ लॉट सर, क्योंकि आपने बहुत बहुत मदद किया, और इस पूरे सफ़र में आपने एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक की भांति, एक गार्जियन की भांति आपने बहुत मदद की मेरी, और सर तहे दिल से मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू।